सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी की आज जयंती है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व के तौर पर मनाई जाती है। गुरु नानक देव की 553वीं प्रकाश पर्व पर देश विदेश में नगर कीर्तन निकाला गया। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक के गुरुद्वारों में भजन कीर्तन और प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही। गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के आवास पर 553वीं जयंती समारोह में भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा कि गुरुओं की कृपा और आशीर्वाद से देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में फंसे हिंदुओं और सिखों को भारत वापस लाए जाने के साथ ही सीएए का भी जिक्र किया। देश के लोग विभाजन के शिकार हिंदू सिख परिवारों के लिए हमने सीएए कानून बनाकर उन्हें नागरिकता देने का भी एक मार्ग बनाने का प्रयास किया है। उसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमें गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व, गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व और 3 साल पहले गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को मनाने का सौभाग्य मिला। कार्तिक पूर्णिमा पर महादेव की नगरी वाराणसी काशी में देव दीपावली का आयोजन पूरे हर्षोल्लास के साथ किया गया। गंगा किनारे 84 घाटों पर 10 लाख दीपक जलाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देव दीपावली की तस्वीर ट्वीट कर लिखा, काशी की अद्भुत और अलौकिक देव दीपावली अभिभूत करने वाली है। इस प्राचीन और पवित्र नगरी में उत्सव की कुछ झलकियां। आज साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण शाम 5:53 से शुरू होगा और शाम 6:19 पर खत्म होगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकेगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीध में आने से ग्रहण लगता है। ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को तेलंगाना से महाराष्ट्र में दाखिल हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का महाराष्ट्र में प्रवेश करने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने एकता मशाल यात्रा निकाली। मशाल यात्रा में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसकर्ता और आम लोग शरीक हुए। राहुल गांधी ने नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुंकार भरी। राहुल ने कहा कि श्रीनगर में तिरंगा फहराए बिना ये यात्रा नहीं रुकेगी। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जाके रुकेगी, इससे पहले इस यात्रा का कोई शक्ति नहीं रोक सकती। श्रीनगर में तिरंगा लहराएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सोमवार को बड़ा झटका लगा। बेंगलुरु की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का निर्देश दिया। एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट का केस दर्ज किया है। म्यूजिक कंपनी का आरोप है कि फिल्म KGF 2 का म्यूजिक कांग्रेस ने बिना इजाजत के भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो में इस्तेमाल किया। भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो में राहुल गांधी भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। एमआरटी म्यूजिक ने यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की। सूबे में अब शराब पीने वालों से ज्यादा बेचने वालों पर नकेल कसी जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस को शराब व्यवसायियों पर फोकस करना होगा। गुजरात दौरे पर पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सफर के दौरान ट्रेन पर हमला किया गया। पार्टी नेता वारिस पठान ने ट्वीट कर दावा किया कि वंदे भारत ट्रेन पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया। महाराष्ट्र में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के आवास पर सोमवार को एनसीपी कार्यकर्ताओं ने हमला बोला। कृषि मंत्री के घर पर पथराव के बीच नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सीएम शिंदे से कृषि मंत्री सत्तार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस मामले में मुंबई में केस भी दर्ज कराया गया है। राज्य के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो सुप्रिया सुले को भिखारी कहते सुने जा सकते हैं।
आज गुजरात बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर अंतिम मंथन होगा। 9 नवंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक केजरीवाल आज जूनागढ़ के शोदोर मांगरोल में रोड शो करेंगे। केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज पांचवा दिन। केजरीवाल ने सोमवार को वांकानेर, चोटीला और राजकोट ईस्ट में रोड शो किया था। दिल्ली सीएम ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए लोगों से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी नदिया जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर सीएम ममता के दौरे को अहम माना जा रहा है। मतुआ समाज को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव में जुटे यूपी सीएम योगी की आज कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में जनसभाएं होंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तंबा के भरमौर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। हिमाचल में चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की उपस्थिति में सोमवार को कांग्रेस के 26 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज से एमसीडी चुनाव को लेकर प्रचार अभियान शुरू कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज सुबह 11 बजे कूड़े पर जनसंवाद अभियान की शुरुआत करेंगे। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर दिल्ली बीजेपी ने दक्षिण दिल्ली के अपने 2 नेताओं को पार्टी में वापस ले लिया। पति पत्नी सरिता चौधरी और आजाद सिंह को पार्टी दफ्तर के बाहर मारपीट करने पर पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात होगी। मॉस्को में होने वाली इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजर है। एस जयशंकर और लावरोव के बीच मुख्य तौर पर आपसी सहयोग और साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा होगी। व्यापार, निवेश, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और रक्षा सौदों पर भी बातचीत होगी। भगोड़ा आर्म्स डीलर संजय भंडारी को भारत वापस लाने का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भंडारी के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई प्रमुख इमरान खान पर हुए हमले में 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पंजाब सीएम ने आरोपियों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का नाम हटाने पर जोर दिया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर हुई फायरिंग मामले में लंदन में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पूर्व पीएम और पीएमएलएन प्रमुख नवाज शरीफ ने हमले की साजिश रची थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान की निष्पक्ष मेडिकल जांच की मांग की है। राणा ने कहा कि अगर पीटीआई प्रमुख को 4 गोलियां लगने की बात अगर सच साबित हुई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान ने अपनी पसंद के नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के लिए हमले का ड्रामा रचा। इमरान खान 9 नवंबर से फिर हकीकी आजादी मार्च शुरू करेंगे। पीटीआई के 2 वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। वजीराबाद में जिस जगह इमरान पर हमला हुआ था दोबारा मार्च वहीं से शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति आरिफ अलवी को पत्र लिखकर सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को रोकने की मांग की है। इमरान ने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह पर बार बार जान से मारने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के भाई महमूद करजई को तालिबान ने काबुल हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया है। दुबई जा रही फ्लाइट से उतारकर महमूद को अरेस्ट किया गया। तालिबान ने आखिरकार अपने संस्थापक मुल्ला उमर की कब्र को सार्वजनिक कर दिया। मुल्ला उमर की 2013 में मौत हो गई थी। चीन ने कब्जे वाले लद्दाख में पुलों के नाम गलवान में मारे गए 4 चीनी जवानों के नाम पर रखे हैं। तिब्बत शिनजियांग हाईवे पर बने पुलों के नाम गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों पर रखे गए। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को वोट देने की अपील की। मस्क ने पहली बार अमेरिकी चुनाव को लेकर अपील की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खस्ता हाल पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को संभालने का भरोसा दिया। जिनपिंग ने कहा कि हम अपने पुराने दोस्त को निराश नहीं करेंगे। फ्रांस के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ओलिवर वेरन ने ट्विटर के ब्लू टिक के लिए $7.99 प्रति माह का शुल्क देने से इनकार कर दिया। वेरन ने ट्विटर के मालिक मस्क को कहा कि आप मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दीजिए।
फेसबुक की मदर कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म इंक अपने हजारों कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है। कंपनी कर्मचारियों की छटनी का ऐलान बुधवार को कर सकती है। वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने महिला की खतना को एक अपराध बताया। पोप ने कहा कि महिलाओं को इस कुप्रथा और ज्यादती के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। दुबई में बुर्ज खलीफा के पास की इमारत में जबरदस्त आग लगी। हालांकि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। स्पेन में एक शादी समारोह के दौरान हुए झगड़े के बाद एक सिरफिरे ने कई लोगों को कार से रौंद डाला। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई।